गाइस गुड इवनिंग और आज मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करूँगी। अभी जस्ट टाइम हो रहा है 4:05, तो आज बहुत सारा काम था एंड इस वजह से ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया। और आइए जानते हैं कि वो जो स्पेशल सेकेंड चीज़ है वो क्या है। तो अंशिका का बर्थडे आने वाला है, सो कब है आइए अंशिका से जानते हैं कि अंशिका का बर्थडे मतलब क्या होगा, कैसे होगा, सो देखते हैं। अंशिका आपका बर्थडे कब आएगा बेटा? हैं, आपका बर्थडे कब आएगा? आपका बर्थडे कब आता है? ये क्या आपका बर्थडे 5 नंबर? लेकिन इस बार आपका बर्थडे तो नहीं मनाया जा रहा है, तो आप खुश हैं? आपका बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, केक नहीं आएगा, कोई बच्चे नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा इस बार आपके बर्थडे पे। सरप्राइज हो जाएगा तो आएगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा इस बार कि अंशिका का बर्थडे मनाया जाएगा या कुछ सरप्राइज होगा या कुछ भी। तो और तो बताइए फिर, आपका इस बार बर्थडे तो मनाया नहीं जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको बर्थडे नहीं मनाया जाएगा इस बार? सीरियसली नहीं, बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, हैप्पी टू यू भी नहीं आएगा? आएगा 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 नहीं, इस बार आपके बर्थडे पे ना है। पापा ने तो कहा है कि आपका हैप्पी टू यू नहीं आएगा इस बार। नहीं आएगा। आएगा? पापा लाएंगे। क्या? मेरे पापा लाएंगे। आपके पापा लाएंगे? अच्छा। हे गाइस, तो आपने अभी देखा ही अंशिका का रिएक्शन कैसा था, कि बस इतना ही सुन के कि मेरा बर्थडे नहीं होगा। सो है अंशिका के लिए बहुत खास दिन एंड हम सब के लिए बहुत खास है, और उस दिन कुछ सरप्राइज़ करना है। सो अंशिका को नहीं बताया गया है कि क्या है, कैसे करना है, हर बार बस बोला जा रहा नहीं होगा आपका बर्थडे इस बार, खुश नहीं होगा। सो अंशिका बहुत उदास हो गई है। सो बर्थडे मनेगा और काफ़ी अच्छे से होगा। तो अभी अंशिका के बर्थडे की कुछ शॉपिंग बची हुई है जो कि थोड़ी सी मैंने कर ली है, थोड़ी बाकी है। जो शॉपिंग वो जो जाएगी तो मैं उसका एक अलग से ब्लॉग डालूँगी, तब आप सब लोग देखना कि हमने क्या क्या कैसे कैसे लिया और क्या सोचा है अंशिका के बर्थडे पे करने के लिए, कैसे किस तरह, वो सब मैं आपको वो सब मैं एक ब्लॉग बनाकर अलग से डालूंगी। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। गाइस, तो जिस दिन हम अंशिका के बर्थडे की शॉपिंग करने निकले थे उसी दिन माता रानी का विसर्जन था, तो हम सब माता रानी का भी दर्शन करने के बाद फिर हम सब गए थे अंशिका के बर्थडे, आई थिंक डेकोरेशन का सारा सामान लेने। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है और ये है यहाँ पे लाइन, एक एक मूर्ति एक दूसरे के पीछे ही लगी होती है। और यहाँ हम आ गए हैं बर्थडे का सामान लेने। ब्लैक वाला दिखा दीजिए।
गाइस अगर ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है।